बाद एक बार फिर हाजिर हो हैं हम उत्तर प्रदेश की बाकी खबरों के साथ। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा ताज नगरी आगरा पहुंची। वहीं प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आगरा के राजेश्वर मंदिर से शुरू हुई यात्रा वहीं राजेश्वर मंदिर पहुंचकर कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के स्टार प्रचारक विजेंद्र सिंह ने भगवान शिव की भोलेनाथ की पूजना की। प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की गई और वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो किसान एक साल से धरने पर बैठे हैं उनका कर्ज माफ होगा और आगरा में बिजली की समस्या से जनता को निजात मिलेगी। प्रियंका जी की प्रतिज्ञा यात्रा सहारनपुर से होते हुए अब आज आगरा में आ चुकी है और यहाँ मैं बात करती हूँ, यहाँ प्रियंका जी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से जो स्टार प्रचारक हैं ब्रजेंद्र जी, मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि उनकी ये प्रतिज्ञा यात्रा है और कहाँ तक ये चलेगी। जी, मेरा नाम विजेंद्र सिंह बॉक्सर है, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ और आगरा में मैं पहली दफा आया हूँ। इससे पहले मैं लाइफ में कभी आगरा नहीं आया और सबसे पहले मैं जो यूपी की महिलाएं हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, जो प्रियंका जी ने काम किया है। 40% जो वोटिंग जो सीट होंगी वो महिलाओं को दी जाएगी, तो सबसे बड़ा कदम है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। आज हम आगरा में आए हैं, आगरा की बहुत सारी निजी समस्याएं हैं उसके ऊपर भी बात होगी, उसके बाद मथुरा का प्रोग्राम है। तो ये यात्रा आज भोले बाबा के दर्शन शुरू करके दर्शन करके आज शुरू हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रदीप यादव ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदीप यादव ने मुलायम सिंह एवं अखिलेश को जमीनी नेता बताया है। महंगाई बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और खाद नहीं मिलने से आत्महत्या करने को मजबूर है किसान। समाजवादी पार्टी में कभी खाद की किल्लत नहीं हुई लेकिन इस समय प्रदेश में किसानों से परेशान है। इस समय बहुत परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, किसान खाद पर लाइन लगाए लगाए, बहुत से लोग लाइन लगाए लगाए परेशान बने रहे, उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक तक आ गया, किसान ने एक आध ने आत्महत्या तक कर ली। अगर इस अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई त्रस्त है, भुखमरी कगार पर है, तो वो प्रदेश का किसान है। मोहम्मदी कोतवाली के ग्राम बगरेठी में बच्चों के मामूली विवाद में मारपीट हो गई। इस दौरान कुदाल से महिला पर कई बार किए गए जबकि मौके पर महिला की मौत हो गई है। महिला के बच्चे भी इस विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। भाई जी, औरतें दिन में लड़ी, शाम को उन औरतों ने लाठी चार्ज करवा दी हम लोगों पे, वो डंडा लाठी तीन तीन आदमी बिंद कर दोनों भाइयों को पीटा, औरत को जान से मार दिया मठई मार करके, हम लोग तीनों आदमी बेहोश हो गए। हम लोगों ने उनको पुलिस ने उठा कर ले आई यहाँ पर, हम अस्पताल हमारा सरकारी अस्पताल कोई नहीं ले आया बगरेठी से। मथुरा में पुलिस व बदमाशों के बीच छाता तहसील में मुठभेड़ हुई जिसमें चार बदमाश भाग जाने में सफल रहे और एक बदमाश छाता तहसील में अधिवक्ताओं के चैम्बरों में छिपकर बैठ गया, जिसके बाद छाता पुलिस ने पूरी टीम के साथ हुए बदमाश की घेराबंदी चालू कर दी। छाता पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल बदमाश को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कल रात चेकिंग के दौरान एक अपाचे बाइक को रोका गया जिसमें चार सवार जा रहे थे। रोकने के दौरान उन चारों द्वारा पुलिस पार्टी में फायर किया गया, उन्हें घेराबंदी की गई तभी वह तहसील परिसर में घुस गए। लगातार फायरिंग के पश्चात घेराबंदी में एक व्यक्ति को पुलिस एंगेजमेंट के दौरान गोली लगी एवं उसके चार तीन अन्य। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के कवरा गांव के पास अरहर के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में सैंधली निवासी ब्रह्म सिंह लापता हुआ था जिसके बाद चौकी पुलिस पर मृतक का परिवार गुमशुदगी दर्ज कराने गया था लेकिन परिजनों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि 3 महीने से कंपनी का ठेकेदार ब्रह्म सिंह का शोषण कर रहा था। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन के पांचवें दीपोत्सव को लेकर राम की पौड़ी पर लेजर शो का रिहर्सल हुआ। वहीं आज रामायण कॉन्क्लेव के समापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। वे अयोध्या के रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही साथ दीपोत्सव को लेकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ 29 अगस्त को अयोध्या के रामकथा पार्क से ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। बताते चलिए कि रामायण कॉन्क्लेव का समापन पहले 1 नवंबर को प्रस्तावित था, लेकिन अपरिहार्य कार्य से अब आज ही कॉन्क्लेव का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियों के नेता अब प्रदेश में अपना जोर आजमाने को लेकर जगह जगह पहुंचकर जनसफाई कर रहे हैं। उसी के चलते सहारनपुर में आज AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचेंगे। थाना जानकीपुरम के पवार रक्का रोड पर असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक विशाल पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि सभी पार्टियां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगी है और बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ना है, तो उसी के चलते इस जनसभा का आयोजन किया गया। ये रैली का आयोजन शोषित वंचित समाज सम्मेलन के रूप में किया जा रहा है और इस रैली के जो टाइटल है, जो नाम है, उससे आप समझ सकते हैं कि इस देश और प्रदेश में जो शोषित और वंचित हैं उनको लेकर के हम लोग जो है ये सम्मेलन कर रहे हैं। सदियों से जो लोग जो है सताए गए हैं और 1947 के बाद जिस तरह से राजनीतिक रूप से सताए गए हैं, उनको एक छत के नीचे एक लामबंद करने की जो है हम लोग कयादत कर रहे हैं, ताकि उनको संवैधानिक अधिकार मिल सकें और उन संवैधानिक अधिकारों के आधार पर इस तरह के समाज के जो लोग हैं, जो शोषित और वंचित हैं, उनको शिक्षा का, उनको रोजगार का और उन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व जिला अध्यक्ष संजीव सिंह उनका स्वागत किया। तो वहीं अवध विश्वविद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं अनुराग ठाकुर। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से देश को ताकत मिली है, वहीं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पर लगाम कसी गई। ये लोगों ने सपा के राज का गुंडा राज देखा है, हत्या, डकैती, फिरौती, ये सब रोजमर्रा की एक आम बात उत्तर प्रदेश के लिए बन गई थी। और सपा बसपा के उस कालखंड से निकलकर जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाया, वोट दिया, सरकार चुनी, तो सबसे बड़ा प्रहार उन लोगों पर हुआ जो नामी ग्रामी हस्तियां थी, फिरौती के लिए, अपराध के लिए, गुंडागर्दी के लिए, हिंसा के लिए। समाजवादी पार्टी कानपुर ग्रामीण एक नवीन मार्केट में पूर्व नगर अध्यक्ष और संस्थापक अध्यक्ष और पार्षद सैयद महमूद साहब का 20वां निर्माण दिवस मनाया गया। सैयद महमूद साहब ने कानपुर में भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। नेता सभासद दल के रूप में उन्होंने नगर निगम में गरीबों की लड़ाई निरंतर लड़ते रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता के शुक्ला ने की और वहीं संचालन अनिल सोरकर ने किया। मथुरा में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी त्योहारों के अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ली। वहीं बैठक लेते हुए निर्देश दिए गए कि संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए जनपद में पुलिस बल को मोबाइल से संपर्क करते रहें। उन्होंने कहा कि सभी SP, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से प्रतिदिन पैदल गश्त करेंगे और लोगों से संवाद भी करेंगे। बैठक में अनुपस्थित जिला प्रदूषण अधिकारी के कारण बताओ को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। संबल में समाजवादी पार्टी से संबल के सांसद शफीकुर रहमान के COVID-19 वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बीमारी से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने आज दूसरी डोज भी ले ली है। मैंने अच्छा महसूस कर रहा हूं। जब पहली डोज ली थी तब भी कोई बुखार नहीं आया और अब भी अच्छा महसूस कर रहा हूं। सभी लोगों से उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, इससे हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता पाते हैं।
संबल में मैं चाहता हूँ कि सब लोग तंदुरुस्त रहें, इससे पहले कोरोना वायरस के संबल में भी असरात रहे, लेकिन खुदा का शुक्र है इतने मुतासिर या इतने इफेक्टेड नहीं हुए जितने दूर जगह लोग हुए, और आज भी बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं, वायरस वगैरह चल रही हैं। तो बहरहाल मैं चाहता हूँ कि संबल जहाँ पूरा हिंदुस्तान बचा रहे वहाँ संबल भी रहे, संबल में शांति रहे, संबल तक के लोग बहरहाल तंदुरुस्ती के अतबार से अच्छे रहे, उन्हें कोई शिकायत नहीं हो, और वो जब भी हो सकता है वैक्सीन वगैरह लगवाने से बीमारियाँ मुश्किल की फैल रही है, जिसके लिए दुनिया ने एक वैक्सीन बनाई है, हमारे हिंदुस्तान ने भी वैक्सीन बनाई है, उसको लगवाया है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।